नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ टीओसी। एंड बेसिक ऑफ टीओसी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक सिंबल्स, अल्फाबेट, स्ट्रिंग, ग्रामर, लैंग्वेज एट्सेट्रा। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सिंबल। सिंबल मींस एनी पिक्टोरियल, एनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ सिंबल। सो इट कैन बी like letters A, B, C, digits 0, 1, 2, dot, 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 9, operators like plus, minus, division, and parentheses, curly braces, brackets, and special characters, या any image, कोई भी image, एटसेट्रा, इट इज ए सिंबल। सो नेक्स्ट इट अल्फाबेट। अल्फाबेट इट इज ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। सो इट इज ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। बेसिकली इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिंबल्स and this set is denoted by sigma. So sigma, it is alphabet set and it is a finite non-empty set of symbols, it is a collection of symbols. So for example, if symbol A comma B and alphabet set, it is a collection of symbols A comma B. And for example, sigma equals to 0 comma 1. Next is a string. String, it is a finite sequence of symbols taken from the set alphabet. ये finite sequence of symbols है taken from the set alphabet, set sigma. Finite sequence of symbols taken from the set alphabet sigma. So, for example, if sigma equals to A comma B, then strings, क्या क्या strings possible हो सकती हैं? If sigma equals to a comma b, तो a और b के finite sequences, वो सारे sequences, वो सारी strings होंगी. For example, like small a, small b, a a, a b, b a, b b, a b a, dot dot dot, it is a string. If sigma equals to 0 comma 1, then strings, it is a finite sequence of symbol taken from the sets alphabet sigma. So 0 1 0 0 finite sequence like 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, the finite sequence of symbol, it is a string. Okay, next is power of sigma. Power of sigma means, let if sigma equals to a comma b, then sigma ki power 0 means, sigma ki power 0 means set of all strings of length 0 over sigma. Set of all strings of length 0 over sigma. So sigma ki power 0 means sigma equals to a comma b, so a comma b ki power 0, and it is epsilon. It is a special symbols like epsilon, kisi ki power sigma ki power 0, it is epsilon, and it is called empty string. It is called empty string or zero length string. Zero length string means ki length of epsilon it is zero.
एंड एप्सिलॉन को ये तीनों सिंबल एक ही सिंबल हैं, आइदर इसे एप्सिलॉन से इंडिकेट कर लीजिए, एप्सिलॉन और उल्टा भी और लैम्डा, तीनों का मीनिंग एक ही है। तीनों का क्या मीनिंग है? इट इज एम्प्टी स्ट्रिंग, इट इज जीरो लेंथ स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग इट इज जीरो। एम्प्टी डॉट ए इक्वस टू ए डॉट एम्प्टी इक्वस टू ए। एम्प्टी आइडेंटिटी है फॉर कॉन्कैटेनेशन के लिए। अगर आप एप्सिलॉन का कॉन्कैटेनेशन करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के साथ तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एप्सिलॉन डॉट ए इक्वस टू ए डॉट एप्सिलॉन इक्वस टू स्मॉल ए। सो इट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कॉन्कैटेनेशन। नेक्स्ट इज सिग्मा की पावर जीरो, सिग्मा की पावर वन। सिग्मा की पावर वन मीन्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ वन ओवर सिग्मा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन ओवर सिग्मा। सो सिग्मा की पावर वन मीन्स ए कॉमा बी की पावर वन, सो इट इज आइदर ए और बी। सिग्मा की पावर टू मीन्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ टू ओवर सिग्मा, सो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा डॉट सिग्मा एंड सिग्मा इक्वल्स टू ए कॉमा बी डॉट ए कॉमा बी। एंड कॉन्कैटेनेशन करिएगा, ए डॉट ए इट इज ए ए ए बी बी ए बी बी एंड इट इज ए सिग्मा स्क्वायर सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू ओवर सिग्मा। हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू पॉसिबल ओवर सिग्मा, कितनी स्ट्रिंग पॉसिबल हो सकती हैं सिग्मा स्क्वायर में? सो इट इज मॉड ऑफ सिग्मा की पावर टू, मॉड ऑफ सिग्मा कार्डिनलिटी ऑफ सिग्मा, कार्डिनलिटी ऑफ सिग्मा इट इज ए कॉमा बी, सो ए कॉमा बी कार्डिनलिटी ऑफ सिग्मा इट इज टू, सो टू की पावर टू, नंबर ऑफ स्ट्रिंग इट इज फोर स्ट्रिंग, ए ए ए बी बी ए बी बी। नेक्स्ट इज सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू मीन्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ थ्री ओवर सिग्मा, सो सिग्मा क्यू मीन्स सिग्मा डॉट सिग्मा डॉट सिग्मा इट इज ए कॉमा बी डॉट ए कॉमा बी डॉट ए कॉमा बी। सो इनका कॉन्कैटेनेशन करिएगा, ए कॉमा बी एंड इट इज ए ए ए बी बी ए बी बी। नाउ कॉन्कैटेनेशन ए ए ए ए ए ए ए बी ए बी ए ए बी 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 ए ए बी ए बी इट इज सिग्मा क्यू। हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ थ्री पॉसिबल ओवर सिग्मा, ऐसी कितनी स्ट्रिंग पॉसिबल हैं थ्री लेंथ की ओवर सिग्मा पे? सो फार्मूला इट इज मॉड ऑफ सिग्मा की पावर थ्री, सो कार्डिनलिटी ऑफ सिग्मा इट इज टू, सो टू की पावर थ्री एट स्ट्रिंग्स। नाउ डॉट डॉट सिग्मा की पावर एन मीन्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन ओवर सिग्मा, सो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ओवर सिग्मा, सो कितनी स्ट्रिंग पॉसिबल हो सकती है लेंथ एन की सिग्मा पे? सो इट इज मॉड ऑफ एन की पावर सिग्मा, सो इट इज टू की पावर एन। सो नाउ नेक्स्ट इज सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार नाउ सिग्मा स्टार स्टार इट इज ए क्लीन स्टार क्लोजर, इसको बोलते हैं क्लीन स्टार क्लोजर।
it is a clean star closure. So what does it means? It means a comma b ka star, it means sigma ki power 0 union sigma ki power 1 union sigma ki power 2 union dot 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 up to infinity. So sigma star equals to a comma b star equals to sigma ki power 0 hum logon ne dekha hai kya hai epsilon, sigma ki power 1 means either a comma b and sigma square a b b a b b aur aage ja ke sigma q bhi hoga. Sigma q ka meaning set of all string of length 3 union sigma 4, sigma 4 ka matlab set of all string of length 4 over sigma dot 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 up to infinity. It means ki wo sari strings, all strings jo a comma b se possible ban sakti hain. So sigma star ke andar wo all infinite strings belong karengi जो ए बी के कॉम्बिनेशन से आप बना सकते हैं. सो सिग्मा स्टार का मीनिंग सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग पॉसिबल ओवर ऑल लेंथ ऑफ सिग्मा. सो इट मींस कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ ओवर सिग्मा. Set of all possible string of all length over sigma. It means it is everything of things of A and B, and this is also known as universal language. So sigma star, it is a universal language. So it is also known as universal language. Next, it is sigma plus. Sigma plus, it is a positive closure. So here plus sign it is a positive closure, and positive closure means a comma b ka positive closure. It is sigma ki power 1 union sigma square union sigma q dot 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 up to infinity. देखिए इसमें सिग्मा की पावर 0 को छोड़ के सारी स्ट्रिंग्स इसके अंदर बिलोंग करेंगी. सो सिग्मा की पावर 0 को छोड़ दिया, 1 का मीन आइदर ए कॉमो बी, इट इज टू लेंथ की ऑल स्ट्रिंग. सिग्मा क्यू मीन्स थ्री लेंथ की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स. सो इट इज पॉजिटिव क्लोजर. पॉजिटिव क्लोजर में एप्सिलॉन स्ट्रिंग नहीं होगी, बाकी की सारी स्ट्रिंग्स बिलोंग करेंगे. तो सिग्मा प्लस यूनियन एप्सिलॉन इक्वल्स टू सिग्मा स्टार. अगर पॉजिटिव क्लोजर के अंदर एप्सिलॉन का आप यूनियन कर देंगे, एप्सिलॉन को ऐड कर देंगे, तो इट विल बी सिग्मा स्टार. सिग्मा स्टार के इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट इज सबस्ट्रिंग. सबस्ट्रिंग का मीनिंग है कॉन्जिगेटिव सिंबल्स टेकन फ्रॉम ए वर्ड. कॉन्जिगेटिव सिंबल्स टेकन फ्रॉम ए वर्ड इट्स कॉल्ड सबस्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ स्ट्रिंग डब्ल्यू इक्वल्स टू ए बी सी डी. अगर ए बी सी डी सबस्ट्रिंग है तो इसके कॉन्जिगेटिव सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं. कॉन्जिगेटिव सिंबल्स लाइक स्मॉल ए बी बी सी सी डी. सो ये सारे कॉन्जिगेटिव सिंबल्स हैं. ए बी बी सी सी डी इट इज ए कॉन्जिगेटिव सिंबल्स. सो देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन डॉट ए बी सी डी. बिकॉज एप्सिलॉन ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स है फॉर कॉन्कर्टनेशन के लिए, तो इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो इट इज इक्वल्स टू ए बी सी डी. सो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. साइज सबस्ट्रिंग्स, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स, साइज जीरो. साइज जीरो की सबस्ट्रिंग्स, जीरो साइज की सबस्ट्रिंग, मॉड ऑफ एप्सिलॉन इट इज जीरो. एप्सिलॉन का साइज जीरो है, ओनली वन सबस्ट्रिंग दैट इज एप्सिलॉन, एंड नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग इट इज वन, एंड लेंथ वन. साइज वन की कितनी सबस्ट्रिंग पॉसिबल हैं. साइज वन की इंडिविजुअल सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं, तो फोर सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं, स्मॉल ए बी सी और डी.
So it is small a, b, c and d. So number of substring 4. Now size 2 ki kitni substrings possible hain. So 2 length ke consecutive symbols dekhiyega. Consecutive symbols kya ho sakte hain? A, b, b, c and c, d. Sir, but not AC, but not BD, but not AD. AC, BD and AD not consecutive symbols, but consecutive symbols it is AB, BC and CD. So there are 3 substring, 2 length ki kitni substrings hain? 3 substrings, so it is 3. Now size 3, 3 length ki kitni substrings possible hain? 3 length ki number of substrings, consecutive symbols of length 3, ABC. So here it is ABC, next is BCD, so it is BCD, so number of substring 2. 4 length ki kitni substrings possible hain? So 4 length ki number of substrings, ek hi substring possible hai, that is ABCD, so it is 1. Dekhiyega is W ki length, mod of W equals to kya hai, mod of W equals to 4 hai. तो ये सीरीज 1 से लेके 4 तक जा रही है. इफ मॉड ऑफ w इक्वल्स टू n, इफ मॉड ऑफ w इक्वल्स टू n, देन ये सीरीज 1 से स्टार्ट होके, इफ मॉड ऑफ w इक्वल्स टू n, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू n, और 1 ये एप्सिलॉन की स्ट्रिंग. सो टोटल सबस्ट्रिंग्स कितनी पॉसिबल हैं? Total substrings, if string length n, अगर string का length n है, तो number of substrings कितनी possible है? Sum of all plus 1, इस series का sum n into n plus 1 by 2 plus 1. So total number of substrings कितनी possible है? अगर किसी string में सारे characters unique हैं, तो ये होगा. इफ स्ट्रिंग लेंथ n, देन नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ k इक्वल्स टू n माइनस k प्लस 1. अब स्ट्रिंग का लेंथ अगर n है, तो k लेंथ की कितनी सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल होंगी इसमें? दैट इज n माइनस k प्लस 1. और टोटल सबस्ट्रिंग्स कितनी पॉसिबल होंगी? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1. आप वेरीफाई कर सकते हैं कि स्ट्रिंग का लेंथ 4 था, 2 लेंथ की कितनी सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं? सो 4 माइनस 2 इट इज 2 प्लस 1 इज 3, तो 2 लेंथ की 3 सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल है. 3 लेंथ की कितनी सबस्ट्रिंग पॉसिबल हैं? टोटल लेंथ 4 माइनस 3 इट इज 1 प्लस 1 2, सो 3 लेंथ की 2 सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल है. ओके, ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब सारे कैरेक्टर्स यूनिक हों. अगर सारे कैरेक्टर्स यूनिक नहीं है, रिपीटेशन हो रहे हैं, तो आप कैसे तब इस फार्मूले को आप नहीं लगा सकते. इफ स्ट्रिंग w इक्वल्स टू a a a a, हाउ मेनी सबस्ट्रिंग पॉसिबल? इसमें आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसको देखिए कैसे निकालेंगे आप. आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन डॉट ए ए ए ए साइज सबस्ट्रिंग नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स साइज 0, 0 साइज की एक ही सबस्ट्रिंग है, दैट इज एप्सिलॉन. एंड साइज 1, साइज 1 की देखिए सारी सबस्ट्रिंग आप कंजुगेटिव सिंबल्स ए, इट इज आल्सो ए, इट इज आल्सो ए ए, सो एक ही बार काउंट होगा सबस्ट्रिंग्स ए, और नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग इट इज 1. एंड साइज 2, साइज 2 की कितनी सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं? 2 लेंथ के कंजुगेटिव सिंबल्स ए ए, इट इज ए, इट इज ए, सभी सारे के सारे ए ए हैं, सो इसे एक ही बार काउंट करेंगे ए ए, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग 1. साइज 3 की नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स ट्रिपल ए एंड ए ए, इट इज 1. एंड 4 लेंथ की सबस्ट्रिंग्स ए ए, इट इज 1. सो टोटल सबस्ट्रिंग इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल, दैट इज 5. ओके.